आज हम लोग क्लास 12 के अंतर्गत प्रश्नावली 7.2 का अध्ययन करने के लिए जा रहे हैं। प्रश्न 1 से 37 तक के प्रश्नों का प्रत्येक फलन का समाकलन निकालना है। देखिए आपका क्वेश्चन 1 है, शुरू करते हैं। मैं सुनील सर आपका स्वागत करता हूँ। 2x/(1+x)² समाकलन आपका दिया गया, समाकलन का चिन्ह लगाएंगे। 2x/(1+x)² समझ गए। अब जरा देखिए नीचे वाला को आप मान लीजिए, फायदा होगा। नीचे वाला कोई ज़्यादा माना जाता है तो 1+(x)² / t लेने पर, अवकलन करने पर t के सापेक्ष भाई 0 भाई, अवकलन में घात आ गया था ना, ये घटा देते हैं तो 2x/(dx)t का अवकलन dt, इसका मान सब भर दीजिए। ठीक है, आइए वैसे ही लिखिए, समाकलन जैसे था आपका वैसे लिखिए, माने थे ना ये। अब नीचे जो माने हैं 1+(x)² उसके जगह पर टी रखिए, टी हमने रख दिया, और जहाँ 2x/(dx) है, 2x/(dx) है तहाँ dt। सबसे मेन बात यही है बाबू, देखिए ये जो माने थे 1+(x)² इसके जगह पर तो मैंने टी रख दिया, और 2x/(dx) है तहाँ dt रखते हैं, है कि नहीं। यहाँ पर 2x/(dx) है ना, तो पूरा जगह पर dt रख देते हैं। और 1/ जहाँ टी है या 1/x है तो लॉग टी होता है, यानी 1/1 तो लॉग टी प्लस सी, लॉग वैसे ही लिखेंगे। और जहाँ टी है उसके जगह पर आप 1+(x)² माने हैं तो 1+(x)² और प्लस सी है तो सी लिख दीजिए, आंसर सबसे बात को 1/t तो लॉग टी प्लस सी, लॉग वैसे ही टी के जगह पर 1+(x)² + c, बहुत आसान था, समझिए। नहीं आता मुझे बताइए। 2 नंबर क्वेश्चन है log(x/(x)) log(x)² / x, और आप माना कि i = समाकलन log(x)² / x dx। log(x)t लेने का फायदा होगा ना, log(x) जब भी log और x की बात करेगा ना तो हमेशा लागे वाला मानते हैं, तो log(x)t लेने पर और यहाँ पर t के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो 1/(x)dx) / dt हो जाए। समझिए आपको, समझिए आप मुझे करना क्या है ना, समाकलन से ही दबाइए। जब आपने log(x) को t माना है तो t को ऊपर दो, और 1/(x)dx) देखिए 1/(x)dx) आप इसके जगह क्या लिख सकते हैं dt, तो सिर्फ dt रखेंगे। टी के ऊपर दो है समाकलन, एक एक जुड़ते हैं ना, ऊपर भी एक नीचे भी है, तो टी के ऊपर 2+1 3, नीचे भी 3+c, लेकिन टी तो है नहीं, हमें टी जो माने हैं log(x) माने हैं, तो 1/3 आ गए log(x) इसके पावर 3+c, और ये आपका आंसर आ जाए 1/3 log(x) ऊपर 3+c आंसर आ गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 के पास हम लोग चलते हैं। 1/(x+x)log(x) कैसे, जो सवाल है उसे उतारा गया है। यहाँ भी x देख रहे हैं सवाल में, यहाँ भी x है, यहाँ भी x है, x कॉमन ले लें तो 1/(1+log(x)dx). अब 1+log(x)t अवकलन करने पर तो x का 0, log(x) के 1/(x)dx) / dt, समझिए बात को, आसान है बहुत। आपने क्या किया, जब 1+log(x) को आपने t माना है, ध्यान देते रहना बाबू, तो 1+log(x) के बाद t रख दो ना, मैंने t रख दिया, और dx/x है, dx/x है, ठीक है ना, dx/x है, या 1/x लिखो dx/dt। अब समाकलन जब करेंगे तो log(t+c) आ गया, log(t+c) log वैसे ही t की जगह पर 1+log(x)+c, ये हमारा आंसर आ गया, log(1+log(x)+c आंसर आ जाए, समझिए। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन नंबर जो है 5 के पास, 4 के पास चलते हैं हम लोग। sin x sin cos x, लाजवाब सवाल है। देखिए यहाँ पर sin x है, फिर sin x cos x, समाकलन इंटीग्रेशन, समाकलन का चिन्ह लगाएंगे तो sin cos x। हम cos x अगर मान ले काम आ जाए, माना कि cos x/t, और अब आप लिख सकते हैं t के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो cos x का अवकलन -sin x होता है dx, और t का dt, देखिए यहाँ पर dt होगा लेकिन गुणा करेंगे तो dt। अब इसी में पूरा मान भरेंगे, साइन जैसे था वैसे ही हमने लिख दिया, ये साइन जो था वैसे ही मैंने लिखा, इस कॉस को मैंने माना था टी, तो हमने टी इसके जगह पर रख दिया, और जहाँ sin x dx है उसके जगह पर dt, माइनस वैसे ही आगे रखेंगे साइन टी का समाकलन -cos t + c आ जाएगा, माइनस में प्लस ये कॉस वैसे ही रखेंगे, और टी के जगह पर आपने कॉस लिया x है तो cos x + c, समझिए। क्वेश्चन नंबर 5
फाइव के पास चलते हैं। साइन है ए एक्स प्लस बी कॉस ए एक्स प्लस बी। आप आई बराबर इंटीग्रेशन का चिन्ह दिखाएंगे, समाकलन साइन ए एक्स प्लस बी कॉस ए एक्स प्लस बी इंटू टी एक्स। साइन ए एक्स प्लस बी बराबर टी लेने पर देख रहे हैं साइन ए एक्स प्लस बी बराबर टी लेने पर। अब मुझे बताइए अवकलन करेंगे तो फिर अंदर वाला का अवकलन करेंगे तो ए एक्स प्लस बी है ना, तो ए एक्स का अवकलन समाकलन की बात नहीं है, अवकलन में जो भी पद आते हैं अचर वो आगे आते हैं आगे आए साइन कॉस में, और जो ए एक्स प्लस बी वैसे डी एक्स और टी कहते हैं डी टी। समझिए कॉस से लिखिए ए एक्स प्लस बी डी एक्स और डी टी ए बटा आ जाएगा डी टी बटा ए। अब एक चीज़ मैं आपको समझाता हूँ थोड़ा सा समझिए, आई वैसे लिखिए एक बटा आई वैसे लिखिए, आपको सिंपली से एक बात है जब अपने साइन ए एक्स प्लस बी बराबर टी माना है ना, तो साइन ए एक्स प्लस बी के जब टी रख दिया हमने टी रख दिया, सोचेंगे सर इधर क्यों रखता है, किधर रखिए ना बात होगी रख दिया, और जहाँ कॉस ए एक्स प्लस बी डी एक्स है तहाँ डी टी बटा ए, तो डी टी बटा ए नीचे आ गया बात खत्म, चाहे यहाँ लिखो चाहे बात होती एक बटा ए तो बाहर टी डी टी एक बटा ए बाहर, और टी का समाकलन टी को पर दो बटा दो प्लस सी। अब एक बटा ए तो नीचे पहले रहेगा और दो भी है दो आ जाएगा नीचे सही है, और टी के जब आपने क्या माना जाए देखिए साइन ए एक्स प्लस बी माना है पूरा आप रख देंगे साइन यहाँ पर देखिए छूट गया है ए एक्स प्लस बी साइन स्क्वायर ए एक्स प्लस बी क्योंकि स्क्वायर है प्लस ही आंसर लाजवाब है। प्रश्न छ समाकलन ए एक्स कलनी में ए एक्स प्लस बी है तो समाकलन आप जरूर लगाएंगे, समाकलन कलनी में ए एक्स प्लस बी इंटू डी एक्स जो भी अंदर वाला उसको मान लेंगे आप ए एक्स प्लस बी बराबर टी लेने पर अवकलन करेंगे तो इसका ए और एक्स का अवकलन तो एक तो ए डी एक्स और टी का डी टी तो डी एक्स बराबर एक बटा ए डी टी। समझिए अब जो आप माने हैं उस मान को आप इसमें पुट करेंगे आयो से ही जहाँ देखिए कि जहाँ डी एक्स होता है एक बटा ए डी टी एक बटा ए डी टी पूरा करने में जो है करने में टी हो जाएगा एक बटा ए और टी के ऊपर एक बटा दो डी टी हो जाएगा एक बटा ए और फिर आप एक बटा दो उसमें भी एक जोड़ेंगे नीचे तो दो बटा तीन टी के ऊपर तीन बटा दो प्लस सी दो बटा तीन ए और ए टी के ऊपर ए एक्स प्लस बी के ऊपर तीन बटा दो प्लस सी तो दो बटा तीन ए एक्स प्लस बी के ऊपर तीन बटा दो प्लस सी। समझिए क्वेश्चन नंबर सात भी है आपके पास एक्स है कर्णी में एक्स प्लस टू है तो आई बराबर इसको मानेंगे एक्स कर्णी में एक्स प्लस टू है आप इसको टी मानेंगे पूरा जो कर्णी वाला पद देख रहे हैं ना कर्णी में एक्स प्लस टी बाई टू आप मुझे बताइए दोनों पक्षों का वर्ग कर दीजिए यहाँ पर दोनों पक्षों का वर्ग किया गया है तो ये कर्णी हट गया एक्स प्लस टू और ये टी का स्क्वायर अब यहाँ अवकलन कर दिया गया देखिए जो भी बातें आ रही है ना यहाँ पर अवकलन अब किया जा रहा है यहाँ पर वर्ग किया गया था समझिए जरा तो अवकलन करेंगे तो एक्स का तो डी एक्स है जीरो आई टू आ गया जाएगा टू टी डी टी हो जाएगा। समझिए तो आई बराबर अब जरा आपको एक चीज़ मैं समझाता हूँ क्या आपने एक्स प्लस टू की जगह पर तो टी माना था तो टी रख दिया कलनी में लेकिन इस एक्स की जगह पर क्या रखेंगे देखिए तो एक्स की जगह पर ऐना करेंगे तो टी स्क्वायर माने दो डी टी हो जाएगा और टू टी गुणा इसमें करें टू टी को पर चार और ये तो दो हो जाएगा ना टी को पर दो है दो से गुणा करेंगे तो टू टी के ऊपर फोर और दो दुना चार टी के ऊपर दो डी टी हो जाएगा। अब बस आपको समाकलन कर देना है देखिए आइए दोनों में दो है तो दो बाहर निकाल लेंगे तो टी को ऊपर चार और माइनस यहाँ पर दो चार था दो टी के ऊपर दो तो ऐसे ही टी को ऊपर चार डी टी अलग अलग माइनस आप ये चार इसे दो से गुणा करके चार आपने लिख दिया टी को ऊपर दो डी टी और दो और ये देखिए चार टी को ऊपर चार है आप जोड़ेंगे टी को ऊपर पाँच नीचे ये पाँच माइनस चार है यह टी को ऊपर दो है ऊपर तीन नीचे तीन प्लस सी और इस तरीके से दो बटा पाँच एक्स प्लस दो के ऊपर ठीक है जो माने थे आप मान ठीक है वह माने थे ना करनी में रख दीजिए पाँच बटा दो दो इसलिए आया क्योंकि कलनी से हटा दिया गया है माने चार बटा तीन एक्स प्लस दो तीन है कलनी हटाएंगे तो नीचे दो आएगा प्लस सी और हमारा ये आंसर आ जाएगा। अब प्रश्न आठ है एक्स है कलनी में वन प्लस टू एक्स स्क्वायर आई बराबर समाकलन एक्स कलनी में वन प्लस टू एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स आपको जो प्रश्न होगा मानेंगे वन प्लस टू एक्स स्क्वायर बराबर टी और ये जीरो और ये दो दुना चार एक्स डी एक्स और टी का डी टी एक्स डी एक्स और एक बटा चार डी टी ये चार नीचे आ जाएगा एक्स डी एक्स एक बटा चार डी टी
और फिर इंटीग्रेशन का चिन्ह रहेगा, समाकलन एक बटा चार टी के ऊपर एक बटा दो डी टी बराबर एक बटा चार, और आगे ये जो अंक एक बटा चार है आगे निकल जाएगा, टी के ऊपर एक बटा दो डी टी हो जाएगा, फिर एक बटा चार याद करो इसमें एक जोड़ देंगे ना टी के ऊपर, यही है ना, टी के ऊपर जो एक बटा दो इसमें भी एक जोड़ेंगे, एक बटा दो इसमें भी एक जोड़ देंगे, तो एक बटा चार दो बटा तीन टी के ऊपर तीन बटा दो प्लस सी, और आप दो से चार तो कर ही जाएगा दो बार में ना, दो से चार आप कर लीजिए दो बार में, दो से गुणा तीन में करेंगे छः, और इसके जगह पर जो टी के जगह माने थे वन प्लस टू एक्स स्क्वायर तीन बटा दो प्लस सी आंसर आ जाए, समझिए बात को आप लगा सकते हैं ना, बहुत ही आप लोग इंटेलिजेंट भी हैं, आज के बच्चे तो बहुत इंटेलिजेंट होते चले जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर है नाइन्थ में, कहता है चार एक्स प्लस दो और कलनी में एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन है, इंटीग्रेशन समाकलन चार एक्स प्लस दो कलनी में एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस डी एक्स है, आई बराबर दो, और आप जरा मुझे बताइए यहाँ से दोनों में दो है तो कॉमन अपने लिए दो एक्स प्लस आई और एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन। अब ये जो कलनी वाला जितना देख रहे हैं ना एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन अगर टी लेने पर, तो आपको मैं बता दूँ यहाँ एक्स स्क्वायर का जब आप अवकलन करेंगे, यहाँ पर अवकलन किया गया है तो दो एक्स बचेगा, एक्स का एक आई तो जीरो और टी का डी टी, तो आई बराबर यहाँ पर दो ऐसे ही रखेंगे और पूरा ये जहाँ टू एक्स प्लस एक होगा तहाँ केवल डी टी रख देना है, और कलनी में सही इस पूरा का तो आप टी माने हैं ना, आप देख रहे हैं एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन टी है तो टी रखेंगे और दो एक्स प्लस एक पर डी टी, तो दो ऐसे ही है टी के ऊपर एक बटा दो डी टी, दो ऐसे ही समाकलन करेंगे हाँ, तो टी के ऊपर तीन बटा दो नीचे भी होगा प्लस सी, अब चार बटा तीन अरे दो दोनों चार हो जाएगा ना, दो से गुना दो में करेंगे चार नीचे तीन है, और टी का जो मनवा माने थे याद करें क्या है, देखिए ना आप एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन है तो ठीक है जहाँ पर रख देंगे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन, इसके ऊपर तीन बटा दो प्लस सी आ जाए, समझिए बना सकते हैं। क्वेश्चन नंबर दस के पास चलते हैं, दस है एक बटा एक्स माइनस कलनी में एक्स आई बराबर समाकलन एक बटा एक्स माइनस कलनी में एक्स इंटू डी एक्स, समाकलन सही एक वैसे ही आप यहाँ से कलनी में एक्स का मल के ज़्यादा देखिए, मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पर समझाता हूँ, यहाँ पर x है माइनस कलनी में x है, आप यहाँ से कलनी में x कॉमन लिए तो इसमें भी कलनी में x से भाग देंगे, इसमें भी कलनी में x से भाग देंगे, ये तो कट के एक हो जाएगा, यहाँ पर भी करें कर देंगे कलनी में x बट x, x से ही रखेंगे x कलनी में x नीचे x बाहर निकलेगा एक एक से एक्स कैसे तो क्या बच गया बचेगा कलनी में x और कलनी में x माइनस सेक इंटू डी एक्स। अब इस जो ये जो बड़ा वाला पद है ना कलनी में x माइनस वन है उसको टी मान लेते हैं, माना के देखिए कलनी में x माइनस वन बराबर टी लेने पर, अब अवकलन किया गया यहाँ पर अवकलन करेंगे तो कलनी में एक्स का मैंने आपको बताया था ना एक बटा दो कलनी में एक्स और फिर तो एक बटा दो कलनी में एक्स डी एक्स बराबर डी टी आ जाए, याद करो इसका तो जीरो और डी टी आ जाए। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट, नेक्स्ट आपका जो है ना एक बटा कलनी में एक्स डी एक्स और जो दो था ऊपर के दो डी टी, अब मान बढ़ते एक बटा दो दो डी टी दो से दो कैंसिल केवल एक बटा टी डी टी, बात को समझिए अच्छा यहाँ पर एक बटा टी दो आगे एक बटा टी डी टी दो और ये एक बटा टी के मान लाग टी प्लस सी और दो लाग टी के जब कलनी में एक्स माइनस वन प्लस सी आंसर है, जो माने हैं ना टी का मान आप माने थे ना कलनी में एक्स माइनस वन बराबर टी कलनी में एक्स माइनस वन बराबर टी तो उसको रख देना ठीक है जगह, समझिए बात। क्वेश्चन नंबर इलेवन है एक्स बटा कलनी में एक्स प्लस चार और आप देख भी रहे हैं आप एक्स का मान जीरो से बड़ा होना चाहिए आई बराबर समाकलन एक्स बटा कलनी में एक्स प्लस चार डी एक्स, आप जरूर याद रखिएगा बाबू ऐसे क्वेश्चनों में जब समघातीय हो तो आप इसमें जो एक्स देख रहे हैं इसमें चार जोड़ देंगे चार घटा देंगे, मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा फिर चार से चार देते हैं इसमें चार जोड़ देंगे चार घटा देंगे, और जो सवाल है सबके वैसे एकदम यहाँ से अलग अलग करना है ठीक है बाबू, एक्स प्लस चार है और कलनी में एक्स प्लस चार डी एक्स माइनस चार बटा कलनी में एक्स प्लस चार डी एक्स, अब यहाँ पर भी करें कर दीजिए बाबू एक्स प्लस चार कलनी में फिर यहाँ भी एक्स प्लस चार से तो ऊपर तो एक्स प्लस चार कलनी में एक्स प्लस चार रहेगा नीचे जो सेम कलनी हो जाएगा तो एक्स प्लस चार बाहर और एक्स प्लस चार से एक्स प्लस चार कलनी में एक्स प्लस चार डी एक्स माइनस चार और एक्स प्लस चार के ऊपर माइनस एक बटा दो, हालांकि कलनी हटाएंगे तो एक बटा दो माइनस एक बटा दो, तो आप जरा देखिए समाकल हटाएंगे एक बटा दो तो दो बटा तीन और एक्स प्लस चार के ऊपर तीन बटा दो माइनस चार, तो पहले से इसको भी समाकलन करेंगे तो माइनस एक बटा दो एक जोड़ देंगे नीचे भी माइनस एक बटा दो एक जोड़ देंगे प्लस सी जो आएगा उसको, समझिएगा आपको यहाँ पर दिक्कत होती है तो थोड़ा सा मैं आपको समझा देता हूँ कैसे आ गया है, तो
देखिए कॉलम में एक्स प्लस चार है, हटाएंगे तो एक्स प्लस चार के ऊपर एक बटा दो है, समाकलन में तो एक जोड़ेंगे ऊपर, नीचे भी एक जोड़ देंगे तो एक्स प्लस चार के ऊपर तीन बटा दो होगा, नीचे भी तीन बटा दो होगा, पलट देंगे दो बटा तीन, बात वही है यहाँ पे भी। तो इस तरीके से आपका इतना है, समझ गए। प्लस सी, अब दो बटा तीन नहीं है, अब यहाँ से कॉमन भी ले सकता है, खैर इतना ही आंसर लिख देंगे तो सही है, चल दिया आपका जो भी आंसर आ जाए। क्वेश्चन नंबर अब हम लोग 12 के पास रखते हैं कदम, तो 12 नंबर क्वेश्चन को भी देखते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन है आपका एक्स पर तीन माइनस एक, इसके ऊपर एक बटा तीन है और इंटू एक्स पर पाँच है। देखिए आप माना कि आई बराबर एक्स के ऊपर तीन माइनस एक, एक बटा तीन, एक्स के ऊपर पाँच डी एक्स है, अंश और हर में तीन से गुणा कर, समझिए। तो आई बराबर एक बटा तीन, तीन से ऊपर तीन से नीचे जैसे है वैसे ही लिख देंगे, तीन एक्स पर दो और एक्स पर तीन, ये पाँच है ना, याद करो यहाँ पर देखिए एक्स पर पाँच है तो तीन एक्स पर दो और फिर एक्स पर तीन डी एक्स। तो अब यहाँ माना कि एक्स पर तीन माइनस एक बराबर टी लेने पर अवकलन करेंगे, घात आगे तीन आगे तेरा तीन एक्स स्क्वायर डी एक्स और यहाँ पर डी टी एक्स, तो आई बराबर एक बटा तीन, यहाँ पर तीन एक्स स्क्वायर डी एक्स डी टी एक बटा तीन, टी के ऊपर एक बटा तीन, टी प्लस एक डी एक्स, अब टी से गुना टी में करेंगे तो एक बटा तीन, टी के ऊपर चार बटा तीन प्लस टी के ऊपर तीन एक बटा तीन और डी टी, हाई कहाँ से आया, टी से गुना इसमें करेंगे एक छोड़ देंगे, टी के ऊपर चार बटा तीन प्लस टी के ऊपर एक बटा तीन डी टी एच, समझिए एक बटा तीन और यहाँ पर है तीन बटा सात, एक्स के ऊपर तीन माइनस एक के ऊपर सात बटा तीन प्लस, समाकलन करते रहिए तीन बटा चार और एक्स के ऊपर तीन माइनस एक चार के ऊपर तीन इतना, और इस तरीके से इतना आपका आंसर आ जाए। देख लीजिएगा जरूर, कुछ करना नहीं है, ये तो सात बटा तीन है, ये चार बटा तीन है, समाकलन हटाएंगे तो एक जुड़े इसमें जुड़ेंगे, इसमें भी एक जुड़ेंगे, तो याद है। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 के बाद हम लोग 13 तेरह नंबर क्वेश्चन है, एक्स पर दो बटा में दो प्लस तीन एक्स पर तीन की पावर तीन, एक्स पर दो है बटा में दो प्लस तीन एक्स पर तीन एक्स पर तीन है, आई बराबर समाकलन एक्स पर दो और ये दो प्लस तीन एक्स पर तीन और इसके ऊपर तीन डी एक्स। पहले आप मानेंगे, माना कि दो प्लस तीन एक्स पर तीन बराबर टी लेने पर और आकलन करेंगे तो इसका जीरो, ये तीन आगे आ जाएगा, नौ एक्स स्क्वायर डी एक्स बराबर डी टी, समझिए बात को, एक्स स्क्वायर डी एक्स यहाँ पर एक बटा नौ डी टी, ये नौ बटा में आ जाएगा, बस आपको मान भरा क्या माना है, नीचे वाला तो मान लिया ना वही है, अब आपको एक बार टी अब आई बराबर एक बटा नौ तो पहले से आया है और नीचे वाला टी और ऊपर तीन है तो टी और डी टी वैसे ही एक बटा नौ तो आगे निकला है ना, इस तीन को आप ऊपर लेके जाएंगे तो देखिए टी के ऊपर माइनस थ्री होगा, लेकिन समाकलन में हमेशा एक ही जोड़ते चले जाते हैं, तो वो है टी के ऊपर माइनस दो बटा माइनस दो प्लस सी, तो नौ दो अठारह माइनस एक बटा अठारह और एक, ये नीचे कर दीजिए टी के ऊपर दो आ जाएगा, लेकिन हमने टी के जगह पर तो माना है ना दो प्लस तीन पर तीन, तो दो प्लस तीन एक्स पर तीन दो प्लस सी, समझ के बात को लगा लेंगे लग जाएगा। आते हैं एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 है आपका, वन अपान एक्स लॉग एक्स के पावर एम है और एक्स का मान जीरो से बड़ा और एम कभी मान एक नहीं रख सकते, चलिए हल्का कर देखते हैं, इंटीग्रेशन आई बराबर समाकलन एक बटा एक्स लॉग एक्स के ऊपर एम इंटू डी एक्स, माना कि मान लेंगे माना कि लॉग एक्स बराबर टी, माना कि लॉग एक्स बराबर टी लेने पर तो आप इसका अवकलन यहाँ पर देखिए अवकलन दिखाया गया, क्योंकि लॉग एक्स का अवकलन तो एक बटा एक्स होता है, अवकलन करने पर एक बटा एक्स डी एक्स बराबर डी टी, इंटीग्रेशन आई वैसे ही लिखेंगे समाकलन टी टी बटा टी डी टी बटा टी के ऊपर एम बराबर टी के ऊपर, ऊपर कर देंगे माइनस एफ, ये जो माने हैं ना लॉग एक्स टी रखा जाएगा और डी एक्स बटा एक्स के ऊपर डी टी रखाएगा, टी के ऊपर माइनस एम डी टी, टी पर माइनस एम प्लस एक माइनस एम प्लस एक और लॉग एक्स रख देंगे टी के जहाँ पर माइनस एम प्लस एक एक माइनस वन एक आगे कर दिया सी और ये हमारा आंसर आ जाए, समझिए बात को, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है कुछ हैं जिसको आप चाहे तो लगा सकते हैं, 15 नंबर भी क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, देखिए दिया है एक्स बटा में नौ माइनस चार एक्स पर दो, एक्स बटा में नौ माइनस चार एक्स पर दो है तो आई बराबर समाकलन एक्स बटा में नौ माइनस चार एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, नीचे वाला जो आप देख रहे हैं उसको मानेंगे, माना कि नौ माइनस चार एक्स स्क्वायर बराबर टी लेने पर अवकलन करेंगे तो नौ का जीरो ये माइनस आठ एक्स डी एक्स बराबर डी टी, एक्स डी एक्स नीचे वन माइनस आठ डी टी आ जाएगा, समझिए। तो आई बराबर माइनस एक बटा समाकलन एक बटा टी डी टी हो जाएगा, ठीक है।
आई बराबर मान से एक बटा आठ लॉग और टी है तो एक बटा टी होगा ठीक है तो नौ माइनस चार एक्स बटा प्लस सी और इस तरीके से आपका आंसर आ गया। चलिए आगे का जो क्वेश्चन है नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे। धन्यवाद।